हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सभी के सभी। एंड गाइस, आज की मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 8 के बारे में, बिकॉज आप सभी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि हमारे फ़ोन के लिए अपडेट कब आएगा, इसके लिए कब तक अपडेट आएगा, बिकॉज पुराने डिवाइसेस के अंदर आपको अपडेट्स देखने को मिल चुके हैं लेकिन रेडमी नोट 8 के अंदर कोई भी आपको अपडेट देखने को नहीं मिला है। बिकॉज आपके भी बहुत सारे कमेंट्स थे और मैंने आप सभी के कमेंट्स को देखा और मैंने बताया कि यार बस वीडियो लाना चाहिए आपके लिए, तो ले आए हम आपके लिए एक नया वीडियो। पूरा इन्फॉर्मेशन बताऊँगा जो भी मेरे पास आया हुआ है। सबसे पहले हम कुछ स्टेटस के बारे में चेक करेंगे कि कौन से कंट्री के अंदर आपको इसके डिवाइस के अंदर अपडेट देखने को मिला है। तो चलो यार, अभी बहुत हो गया है, वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो आइए सबसे पहले हम कुछ चेक कर लेते हैं इसके स्टेटस के बारे में कि चाइना में सबसे पहले हमें इसका अपडेट देखने को मिला है या फिर नहीं। मैं चाइना की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये चाइना का ब्रांड है और सबसे पहले चाइना में ही अपडेट देखने को मिलता है। तो फिलहाल न्यूज़ के कारण यहाँ पे आया है कि हमारे पास चाइना में भी इसके बारे में कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। वाई, मतलब यार अभी चाइना में अपडेट देखने को नहीं मिला है। आप तो उम्मीद लगा के बैठे हो कि इंडिया में कब तक आएगा, ग्लोबल में कब तक आएगा, मतलब कुछ भी यार। जब तक इसके भाई मेन कंट्री के अंदर अपडेट नहीं मिला है तो आपको इंडिया और ग्लोबल में कैसे मिल सकता है मेरे भाई, सोचो यार। खैर, हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अपडेट कब तक मिलेगा और क्यों नहीं मिला है यार। देखो यार, यहाँ पे चाइना में अभी तक इसको कोई भी अपडेट नहीं मिला है, ना ही वो चाइना के स्टेबल अपडेटर्स को मिला है, ना तो पब्लिक यूजर्स को देखने को मिला है। एंड इस जो डिवाइस है इसको यहाँ पे थर्ड बैचेस के अंदर रखा गया है और यहाँ पे चाइना में भी थर्ड बैचेस के अंदर ही रखा गया है। तो चाइना और इंडिया में दोनों ही तीसरे बैच के अंदर ये फ़ोन है और यहाँ पे चाइना में इतनी जल्दी अपडेट मिलने वाला नहीं है। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि कब तक आपको चाइना में ये अपडेट देखने को मिलेगा। तो चाइना में आपको यहाँ पे अगस्त के लास्ट तक इसका अपडेट देखने को मिल सकता है। यार मैं पक्का नहीं बोल सकता हूँ, सिर्फ मिल सकता है, क्या पता इससे पहले मिल जाए या फिर इसके लेट, लेकिन यार यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अगस्त के लास्ट तक हमें वेट कर लेना होगा। देखो यार, अभी जब तक चाइना में नहीं मिलता तब तक इंडिया में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलने वाला भाई, कहीं पर भी भाई चले जाओ यार। अभी देखो इंडिया में भी थर्ड बैच के अंदर फ़ोन है ये, और यहाँ पे अगर मान लो अगर मतलब अगस्त के आखिर में आपको अपडेट मिल जाता है चाइना में, तो बीटा टेस्टर्स को मिलेगा, पब्लिक को बहुत टाइम लग जाएगा, एक दो हफ्ते के अंदर अंदर पब्लिक के आएगा, उसके बाद कुल मिला के यहाँ पे सितंबर तक आपको अपडेट देखने को मिलेगा इंडिया में, समझ रहे हो। मतलब बहुत टाइम लगने वाला है इस डिवाइस को, बिकॉज इस डिवाइस को सेकंड बैच के थर्ड बैच के अंदर रखा गया है। सेकंड बैच के डिवाइसेस को भी अपडेट मिलना चालू हो गए हैं, रेडमी नोट 7, नोट 7 प्रो, नोट 7S, मतलब इन डिवाइसेस को भी अपडेट देखने को मिल चुके हैं यार सभी कंट्री में। फिलहाल तो यार यही है कि बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और बार बार कमेंट करके मत बोलिएगा कि हमें अपडेट कब तक मिलेगा। पूरा वीडियो बना दिया है, पूरा कुछ मैंने आपको बता दिया है कि अभी आपको बिल्कुल अपडेट नहीं मिलने वाला। हाँ, ऐसा ना हो कि यार थोड़ा सा जल्दी मिल जाए, अगस्त के अंदर ही मिल जाए, तो अगर मिलता है तो वीडियो तो आएगी आएगी, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल तो यही न्यूज़ है कि आपको यह अपडेट अभी नहीं मिलेगा। आपको यह अपडेट मिलेगा सितंबर के बाद या फिर सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर अंदर। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो समझ आ गई होगी। अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है बस करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।